साबिक एमपीए शबीर गुजर समेत दीगर के खिलाफ सिक्योरिटी गार्ड्स पर फायरिंग का केस मुदई ने सेशन अदालत पेश होकर मुलजिमान के हक में बयान दे दिया। अदालत ने मुलजिमान की जमानतों के लिए दरख्वास्तों पर समाअत के बाद फैसला महफूज कर लिया। मजीद जानते हैं नुमान नूर से। नुमान बताइएगा जी, सेशन अदालत में प्लाटों पर कब्जा से रोकने पर निजी हाउसिंग सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड पर फायरिंग करने के केस में बड़ी पेशरफ सामने आई है, जबकि अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक एमपीए शबीर गुजर में दीगर की जमानतों पर फैसला महफूज कर लिया है, जबकि इसमें मुकदमा मदई और जख्मी होने वालों ने अदालत में पेश होकर मुलजमान के हक में बयान दे दिया है। और अदालत ने ये मौका अपनाया कि अदालत मुलजमान की जमानतें मंजूर करे तो हमें कोई इतराज ना होगा, हमारा इंतकाम से राजीनामा हो चुका है। जबकि जख्मियों ने असदुल्ला बशर अली और हमीदुल्ला खान ने अदालत में पेश होकर बयान दिया, जबकि मुलजमान ने नजीर अहमद और मुंशी नजीर, खालिद महमूद गुजर, तारिक फरूक, नजीर अहमद गुजर और शबीर गुजर की जमानतों पर समाअत हुई है। और एडिशनल सेशन शुक्रिया नुमान।